बिचौलिया के माध्यम से बिचौलिया सशक्त हो जाए, केंद्र एकदम फर्स्ट क्लास काम करे। खुल के बोलते हैं बिहार में ज्यादा उसको नेता नहीं मानेगा, नहीं मानता है। बिहार का कोई कार्यालय जाइए, चाहे केंद्र सरकार द्वारा योजना हो या राज्य की ब्लॉक जाइए, बिना पैसा का एक भी ऑफिस में काम नहीं होता है। घोषणा तो होती है लेकिन धरातल पर पहुँचते पहुँचते उधर आ जाता है, धरातल पर नहीं आ पाता। बिहार इस वक्त का कोई काम नहीं। तो बीपी मंडल साहब की क्या देन है इस देश को, कम से कम उसको सुरक्षा की दृष्टि से आप देखें। समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान को समान के बराबर रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। बीपी मंडल, नमस्कार, मेरा नाम जानिसार खान है और इस वक्त हम मौजूद हैं बीपी मंडल के ही गांव में। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये असल में बीपी मंडल का स्मारक स्थल है और इस तरफ आपको दिखलाएं कि ये पूरा ग्राउंड है और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो बीपी मंडल का घर है। इस तरफ थोड़ा आप आपको बता दें कि ये एक स्कूल है, मध्य विद्यालय है, कमलेश्वरी मध्य विद्यालय मुरहो का, जिसकी स्थापना 1944 में हुआ है। इस तरफ आप देख रहे हैं वो बीपी मंडल जी का घर है। यहाँ पर समाजवाद से जुड़े नेता, बीपी मंडल को फॉलो करने वाले, बीपी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण के लिए 27% आरक्षण के लिए उन्होंने मांग की थी, सिफारिश की थी, जिसके बाद बीपी सिंह की सरकार ने उस सिफारिश को लागू की थी। हम उन्हीं के गांव में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जिस उत्थान की वो बात करते थे, फिर उनके बाद जो समाजवाद से जुड़े उनको फॉलो करने वाले जो नेता रहे, जैसे लालू यादव, स्वर्गीय शरद यादव, पप्पू यादव, ये सारे उनको फॉलो करते हैं। लालू यादव की भी ये लोकसभा क्षेत्र रह चुकी है, स्वर्गीय शरद यादव की भी ये लोकसभा क्षेत्र रह चुकी है, पप्पू यादव की भी लोकसभा क्षेत्र रह चुकी है। कितना इस गांव में विकास हुआ है, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहां पर मध्य विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, मेडिकल मतलब स्वास्थ्य केंद्र भी है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन संसाधन से लैस नहीं है। संसाधन की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस गाँव का अब तक कितना उत्थान हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार यादव। बस क्या करते हैं सर? हम कोचिंग चला अपना जीवन जीविका जी रहे हैं सर, कोचिंग चला के। क्या लगता है इस गांव सामाजिक कार्य करता है? जी जी, ठीक है। इस गांव को, बीपी मंडल साहब के गांव को विकास के उस बयार में बहते हुए देख रहे हैं आप आज के दौर? बढ़ा है, जितना विकास होना चाहिए सरजमीन पर उतना नहीं है। आज स्कूल है, स्वास्थ्य की सुविधा है, लेकिन रात्रि में डॉक्टर नहीं रहते, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोड कनेक्टिविटी थोड़ा है मुख्य मार्ग से, लेकिन जो मुख्य मार्ग होनी चाहिए अभी मुरलीगंज तो जोड़ने वाली मुढ़ों से, वो नहीं बन पाए, बड़ी दुख की बात है। और ख़ास करके जो मधेपुरा की समस्या है NH 106 107, आज 10 से 12 वर्ष पहले इसकी घोषणा की लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं, ये दुख की बात है। कम से कम जिसकी नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, सामाजिक न्याय की मुख्यधारा को बीपी मंडल साहब ने सभी धर्मों के लोग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी को उठाने के लिए, ऐसा नहीं मरे पिछड़े, जिंदा पिछड़ों को उठाने के लिए उन्होंने वकालत की और उनकी अनुशंसा से जो पिछड़े पिछड़ा आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो हो उसको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने वकालत किया और पूरे देश का भ्रमण करके सभी राज्यों में उन्होंने जाके जो देखा कौन शैक्षणिक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा है उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने वकालत किया। और बीपी सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे इस देश के, वो भी इनको लागू करवाए, लेकिन उनकी जो अनुशंसाएँ हैं 40 है उसमें दो ही लागू है, यदि 38 और लागू हो जाएगा तो हम जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो जरूर आसमान को छूने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम संघर्षशील हैं। आज हमारी उनके में उनकी रिकमेंडेशन जो था, उनकी जो अनुशासन उनमें था, कैसे गरीब पिछड़ा पढ़ लिख के आगे, उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, स्वास्थ्य की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रा फॉलो कराया गया, उनमें दोषी कांग्रेस भी है, ऐसा नहीं कि ये भी सरकार वर्तमान है, लेकिन आज क्यों नहीं लागू हो रहा है? हमको जाति धर्म से ऊपर उठकर जो हमारे उस पर हम बात करेंगे जी जी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जी, गाँव के मुद्दे। अभी उनके गाँव में अच्छा बिजली का सिर्फ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य, यदि बीपीएल परिवार को मकान नहीं मिल रहा है, मोदी जी का घोषणा प्रधानमंत्री विकास की जो मुख्य धारा से जो योजनाएं ये वो धरातल पर इसलिए नहीं उतर रही है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उनका घर नहीं बना है,
आज कह रहे हैं 2022 में पक्का मकान बन, क्या बन गया? आज उनका घर बस्ती जाके हरिजन बस्ती को देख के आइए, क्या उनका दुर्दशा है, रहने का घर नहीं है। ये तो आज इनका गांव मॉडल होना चाहिए, इन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। जो दुनिया के वकालत किए, राष्ट्रीय पैमाना पर सामाजिक न्याय की पहचान है मुरहो की, लेकिन आज उनके गाँव तरस रहे हैं विकास के लिए। बिल्कुल, हम बीपी मंडल का आपको बता दें कि उनका गांव का नाम मुरहो है और मुरहो पंचायत में ही आता है, जिला में आता है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल देव यादव है। क्या लग रहा है कि योजनाएं जो हैं धरातल तक पहुंच रही हैं? केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, घोषणा तो होती है लेकिन धरातल पर पहुँचते पहुँचते उधर आ जाता है, धरातल पर नहीं आ पाता है। गाँव में योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही, गाँव में योजना नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए विकास अवरुद्ध हो जाता है। जल नल योजना हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास जल नल योजना तो वो खिलवाड़ हो गया है, इससे कुछ जनता, इससे जनता को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो तो जो है ठेकेदार उसी का अथी बन रहा है, अपना वो मकान बनाता है, जनता को क्या उससे फायदा होता है? वो तो बेकार, जनता की पैसा जाता है लेकिन जनता के उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर बीपी मंडल साहब का आवास रह चुका है, यहाँ मुख्यमंत्री निवास कहिए कि मतलब नहीं नहीं देखिए, बीपी मंडल का गांव है, उसके गांव में देखिए आप घूम फिर करके कितना आप क्या हाँ, कुछ है कि नहीं है, स्थिति कितना दुर्दशा है। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या करते हैं? सर सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता जी। क्या लग रहा है आप इसी गाँव के हैं, इसी वार्ड के? जी हाँ। आपको क्या लग रहा है कि आपके नज़र में विकास हुआ है इस गांव का? विकास कुछ हुआ, ऐसी बात नहीं है। रोड की कनेक्टिविटी बनी है, रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल बनी हुई है हमारे हाईवे से। शिक्षा के लिए जिला जाने आने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। शिक्षा की व्यवस्था है, मध्य शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन होनी चाहिए वो नहीं है, संसाधन की कमी है। जैसे अभी आपके सामने में विद्यालय देख रहे हैं ना, देखिए क्या स्थिति है, वो हेडमास्टर है, देख रहे हैं ना बच्चा कितना है, देख रहे हैं बच्चा, देखिए जा करके। जबकि यहाँ है अभी वर्तमान मंडल का स्मारक के बगल में है, किसी टीचर को किसी बच्चा से कोई मतलब नहीं रहता है, कौन आया कौन गया, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसको कोई मतलब नहीं। बाउंड्री देखिए कितना छोटा है, बच्चा सब कूद कूद के भाग जाता है, चारों बगल से रोड है, रोड के बीच में है स्कूल, देख रहे हैं ना आप, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, किसी वक्त जान जा सकता है बच्चा का। इसके लिए हम लोग बार बार हेडमास्टर को बोले हैं कि इसका बाउंड्री बढ़ाइए, इसमें शौचालय की व्यवस्था कीजिए, अच्छा पठन पाठन हो, तभी ना हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, विकास होगा गाँव का, तभी ना आगे चल के देश बड़ा बनेगा, महान होगा, पढ़ लिख के तभी ना आगे IAS अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तभी ना विकास, इसका नाम विकास हुआ। आपको कोई सुविधाएं मिली केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की? सुविधा तो अभी किसी तरह का नहीं मिल रहा है, नहीं मिला कोई खास। गैस तो मिला लेकिन गैस वही महंगा है, इसलिए नहीं ले पाते हैं, रखा हुआ है, नहीं तो चलिए दिखा देंगे आपको। आवास योजना? आवास नहीं मिला है अभी, हाँ आवास नहीं मिला है, सही बात बोल रहे हैं। आपके आसपास में आपने देखा? हाँ किसी किसी को मिला है, हाँ किसी किसी को मिला है, तो वही पैसा लेता है बहुत उसमें, तो मतलब योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन उसमें भी घूस लेकर, बिना घूस बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है, बिना रिश्वत का बहुत सरकारी कार्यालय काम ही नहीं होगा, गरीब आदमी महंगाई। बिहार का कोई कार्यालय जाइए, चाहे केंद्र सरकार द्वारा योजना हो या राज्य की ब्लॉक जाइए, बिना पैसा का एक भी ऑफिस में काम नहीं होता है। साधारण रसीद साधारण ₹10,000। बीपी मंडल साहब के जो वंशज के लोग हैं, उनके लोग पुत्र होंगे, उनके पोते होंगे? हाँ पुत्र विधायक थे, पोते भी विधायक से लड़े, निखिल मंडल जी। नहीं नहीं मनिंद्र कुमार मंडल जी, मनिंद्र निखिल मंडल है ना पोता, मनिंद्र कुमार मंडल, मनिंद्र कुमार मंडल विधायक थे इससे पूर्व जदयू के टिकट से, नीतीश कुमार जी के साथ थे उनका। लेकिन बिहार की जो दयनीय स्थिति है राजनीतिक, ये कब किस पाला में चला जाएगा आप बिहार के युवा को सोचना होगा। गांव के लोगों से इनका संपर्क कैसा है, मतलब सहयोग करते हैं? लिख भी उतना जितना संपर्क होना चाहिए धारा तो उतना नहीं है, उतना नहीं है, कनेक्टिविटी मंडल पिछड़ों की बात करते थे, हाँ पिछड़ों के लिए आवाज उठाई उन्होंने, हाँ सिफारिश की, जितना वो लोगों से जुड़े रहे उतना नहीं है इनके अंदर, तो इसके अंदर बहुत बड़े उसकी चर्चा थे। वो असाधारण प्रतिभा के लोग थे, वो चीज कहाँ होगा, वो चीज होना बड़ी मुश्किल है ना, उसके बराबर में कोई नहीं है अभी, नहीं होगा।
लेकिन उसकी विरासत को संभाल के रखिए। बीपी मंडल साहब के यदि आप सच्चे वारिस हैं तो बीपी मंडल साहब की क्या देन है इस देश को, कम से कम उसको सुरक्षा की दृष्टि से आप देखें, तब आपकी आने वाला पीढ़ी याद करेगा, आपको पूछेगा, नहीं तो पूछने के लिए तैयार नहीं आज के समाज में। यहाँ से भी हार का भी सामना करना पड़ा, करना पड़ा ना, दो दो बार हार का सामना उनको उठे थे। हाँ हाँ, निखिल मंडल जी, यदि संपर्क रहिएगा, आदमी से मिला रहेगा तब तो, कि आप ऊपरे में रहिएगा, नेतागिरी टीवी चैनल पर नेतागिरी हो जाता है, सरजमीन पाना होता है, कनेक्टिविटी नहीं है, जुड़ाव नहीं है उतना, उतना जुड़ाव नहीं है। अब भैया क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन कुमार, इसी गांव के रहने वाले। जी जी, क्या लग रहा है कि विकास की बाजार बह रही है इस गांव में? विकास का बाजार देखिए, विकास तो जो है वो है लाल, अभी जो चुनाव है इस पर हम लोग बात करें कि दो दल मुख्य रूप से है, एक तो गठबंधन इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन मैंने लालू यादव, इंडिया गठबंधन बिहार मीन्स लालू यादव, लालू यादव यादव और मुस्लिम हम लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है, जो यहाँ का कार्यकर्ता जर्मिन है। आप भी यादव ही है? कास्ट वाइज नहीं, कास्ट की बात नहीं, कास्ट की बात नहीं, जो हम ये जानना चाहते हैं कि एक यादव, हम यादव है, ठीक है, बात उन तक पहुँचनी चाहिए। हाँ, जो हम यादव है, अपना अधिकार समझते हैं कि हमें ही वोट देगा यादव। हाँ, हम यादव है, अभी देख लीजिए सुपौल में है जनरल सीट है, वहाँ आरक्षित लोगों को लड़ाया जा रहा है, यादव को कहाँ ले जाना चाहते हैं लालू यादव बताएं, उसका मंशा क्या है यादव के प्रति, यादव अब जानना चाहता है। तो क्या लगता है कि जो यहाँ से वो लोकसभा क्षेत्र उनका भी रह चुका है जी, पप्पू यादव भी रह चुके हैं इस लोकसभा क्षेत्र जी, विकास लगता है कि यादव का वोट लेकर के, देखिए यादव के विकास, नाम पर विकास की जहाँ तक बात है, 1952 से आज तक मधेपुरा का नेतृत्व एक कमजोर व्यक्ति किया है, किराए मुसर, इसके बाद जो भी नेतृत्व किया है दिग्गज लोग किया है, लेकिन मधेपुरा कोसी जो इलाका है इसका कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, मैंने साल में 6 महीना, भले मधेपुरा प्रखंड से आते हैं हम लोग, यहाँ बाढ़ नहीं आता है, लेकिन मेरा पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा में दूसरा प्रखंड है, बाढ़ आता है, उस पर कहीं कोई नहीं विचार, जो समस्या है उस पर कोई नहीं देखता। आज की तेजस्वी यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? लालू यादव की राजनीति को भी आपने देखा, तेजस्वी यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव को लालू यादव ने चंदन लगाया है, चंदन अब बिहार का जनता समझ चुका है, चंदन से काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा खुल के बात करिए आप, और जो कहना चाहते हैं। नहीं, चंदन जो लगाते हैं, चंदन टीका, मैंने चंदन टीका से अब काम चलने वाला नहीं है, खुल के बोलते हैं वो बिहार में यादव उसको नेता नहीं मानेगा, नहीं मानता है अभी। तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानेगा यादव? नहीं मानेगा। कहे भाई? कहे मानेगा, आप उदाहरण इससे पहले दिए कि देखिए सुपौल में आरक्षित लोगों को लड़ाया जा रहा है जनरल सीट पर, उसका मंशा क्या है? जनरल सीट पर आरक्षित लोगों को लड़ाया जा रहा है, इसका मंशा क्या है? यादव को कहाँ ले जाना चाहता है? भाई साहब को लालू यादव का विकास भैया नहीं दिखाई देता है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी है वो किनका देन? किसका देन? मेडिकल कॉलेज किनका देन? रेल फैक्ट्री किनका देन? आप इस पर आइए, विकास का बात कीजिए, विकास का। इनका भी कहने का अधिकार है जो अपनी बात है, लेकिन ये नहीं देना। बीपी मंडल स्टेडियम, बीपी मंडल स्टेडियम, बीपी मंडल स्टेडियम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रेल कारखाना हो, देखिए जहाँ तक विकास की बात है, उसके एवज में हम लोग सत्ता शासन दिया 15 साल, कहीं कुछ केंद्र का योजना जो सर फेलियोर है, केंद्र फेलियोर नहीं है, पावर दिए, केंद्र का योजना फेलियोर है, बिचौलिया के माध्यम से, बिचौलिया सशक्त हो जाए केंद्र एकदम फर्स्ट क्लास काम करेगा। यादव को नेता मानते हैं? मानते हैं सर, एकदम मानते हैं, नहीं मानने का कहीं सवाल नहीं है। मधेपुरा में जो भी विकास है, शिक्षा के विभाग में हो, ये भी तो यादव है, इनकी क्या मानसिकता है कि ये तेजस्वी यादव हो? क्या कॉलेज के विभाग में हो, आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, देखिए सर, सबका नजरिया अलग अलग है, जैसे एक गिलास है, कोई कहता है कि आधा गिलास पानी है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है, देखने का नजरिया अलग अलग है। ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं 10 सालों से विकास हुआ है? हम लोग इससे अभी 10 साल देख रहे हैं, 10 साल से पीछे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि अधिकांश किसका सरकार था, उस पर हम लोग विचार करते हैं। आज महंगाई या फलना चिलना हम लोग हल्ला करते हैं, वैसे भले हम लोग RJD को वोट देते थे,
ऐसा नहीं है, लेकिन हल्ला लोग करता है। पहले लोग के पास साइकिल में जो चेन था टूट जाता था तो उसको लगाने के लिए पैसा नहीं था, आज वो लोग मोटरसाइकिल पर चलता है। महंगाई कहाँ है? तो आप मतलब पिछली सरकार से तुलना करके वर्तमान की बात नहीं करना चाहते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, अच्छा और बुरा है, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। तो ये यादव परिवर्तन कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। ये भी भाई साहब हैं जिनको लालू यादव की विकास की कार्य दिखते हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो स्टेडियम की बात कर रहे हैं, रेल कारखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो आपका कहना है कि उसके बदले में हमने शासन दिया, उन्होंने राज किया, मैंने 15 साल दिया, तब वो कुछ किया है? कहीं ऐसा थोड़े किया है, हम लोग शासन सत्ता उसको दिया 15 साल। तो इस बार किसको लग रहा है चुनने जा रहे हैं? देखिए, वैसे वोट तो आरजेडी को देंगे गाली देकर के भी, लेकिन 2025 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आरजेडी को। कैसे भुगतना पड़ेगा? आगे 25 चुनाव है, विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। जी जी सर, आज तो बीपी मंडल की धरती पर हैं, बीपी मंडल साहब का विदेश पूजा करता है, आप उसके आवास पर आए हैं, देख लीजिए पूजा नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? हर 25 अगस्त को जयंती होता है, जयंती में चकाचक किया, केंद्र का योजना है, आधा योजना रह जाता है जिले में, आधा आता है यहाँ, देखिए रंग है, 25 अगस्त में रंग किया गया है इसमें, ये हो क्या रहा? हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कहीं धरातल पर पूर्ण रूपेण योजना नहीं उतरता है, 70% में 30% धरातल पर आता है, जाता कहाँ है रुपया सर? ये चुनावी चंदा के माध्यम से देख लीजिए, इलेक्ट्रो बॉन्ड को देख लीजिए, वैक्सीन का भी चल रहा है, करोड़ों लोग में दहशत है, ये हमको जहर बन गया, ऐसे हो गया, करोड़ों लोग के दिल में दहशत हो गया सर, वैक्सीन। आज मोदी जी वैक्सीन पंपलेट पर से अपना चेहरा कैसे हटा लिए? हमारे यहाँ तो भैया मतलब आप लोग इधर आ जाइए, सर्टिफिकेट हाँ। निकाल के रखे मतलब हुआ है। मोदी जी के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है, हर जगह सारी बिक्री 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 बिक्री, सबको बिक्री कर दिया, केंद्र का योजना आता है लेकिन रास्ते में रह जाता है, मिलता कहाँ है? देखिए 25 अगस्त में रंग पेंट हुआ, उद्योगपति का आपने कर्जा को राइट ऑफ कर दिया भाई, या किसान मत चले जाइए आप आगे, किसान सोचे कि चार लोग आपके खिलाफ है तो आप नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपके साथ है। सच्चाई होनी चाहिए, आज मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सभी ने जेपी आंदोलन से उभरा और सरजमीन पर सत्य के लिए आप उन्होंने कभी उसके साथ समझौता किया कि अभी इसमें पेड़ा कौन रहा है, जनता आम जनता जो पेड़ा रही है। सामने एक बात कही कि वो भी यादव हैं, हाँ, लेकिन वो तेजस्वी के अधिकार नहीं है कि उनका कि यादव उन्हीं को वोट देगा, ये कि कैसे होगा, ये जरूरी है इतना जान लीजिए, जाति के आज यादव को जो तोड़ा है, जाति का पर बिहार में अब वोट नहीं होगा, इतना उनका कहने का अपना एटीट्यूड था, मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए यादव को नीचे कौन किया, नीतीश कुमार तोड़ के आज यादव यादव सबका सिपाही बना हुआ, यदि यादव एक हो जाएगा और अपने नैतिक बल को मजबूत कर लेगा, नीतीश कुमार यादव को लेकर तो नेतागिरी कर रहे हैं तो बिहार में, तो क्या जरूरी है कि यादव का नेता तेजस्वी ही हो, पप्पू यादव नहीं हो सकता? काहे न होगा, पप्पू यादव होगा, क्यों नहीं दिया गया, तो गलती किया तो वही ना, वो बोले कि उनका परिणाम भोगेगा, मैं ये नहीं कर किसी पार्टी का वकालत नहीं करूंगा, किसी पार्टी का यदि वकालत करते हैं तो आप पार्टी गुलाम है, आपके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहब ने दिया संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप हनन यदि कीजिएगा तो जनता जान जाएगी, वो सही ना कहा, ये गिलास पानी को आधा दिखता है, किसी को खाली दिख रहा है, तो दोनों कहने का तात्पर्य अलग अलग है। आज मुलायम सिंह यादव को लीजिए, लालू यादव को लीजिए, रामविलास पासवान को लीजिए, क्या है उनका बेटा बनेगा, आम आदमी गरीब का बेटा नहीं बन सकता है विधायक, क्या एमपी नहीं बनेगा क्या? तो वैसे क्यों नहीं पप्पू यादव के, अरे पप्पू इतना जान लीजिए, पप्पू यादव जी का भी दोष है, पप्पू यादव अब देखिए सबसे पहले अकेला अपना आप पर लड़े लालू यादव को हराने के लिए ना, लालू यादव का आप छोटा कीजिएगा तो बड़ा कभी भी नहीं हो सकते हैं, लालू का सम्मान करके इतना जान लीजिए ना, बदला पप्पू जी लालू से ले, लालू को पप्पू से लेना है, हमको कोई, हम आम आदमी है, हम पप्पू यादव का भी खिलाफ करेंगे, पप्पू यादव का भी गुणगान करेंगे, समस्या में पप्पू यादव पहुंचते हैं, तेजस्वी जी पहुंचने के लिए मधेपुरा में जल्दी नहीं आएंगे, मैं इतना बात बता रहा हूं, क्या वकालत कर रहा हूं किसी पार्टी का, कर रहा हूं क्या, नहीं, लेकिन सत्य को आप सत्य कहने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें गुण, आज मेडिकल कॉलेज किनका देन है,
आज जो देख रहे हैं, चाहे नीतीश जी दिए हैं, इतना जानिए नहीं कहेंगे। आज रेल कारखाना जो दुनिया सबसे बड़ा भारत में बनता है मधेपुरा, लालू जी का देन है। यूनिवर्सिटी लालू जी का देन है। वकालत नहीं करेंगे, सत को सत नहीं कहेंगे क्या? आज आप बीपी मंडल की समाज यहाँ मंडल रथ यात्रा निकाल दिए, आज लालू यादव को विरोध करने वाले को आप बायकॉट के आनंद मनन किए ना, चेतन आनंद को ले आए, फिर कहाँ भाग गया? अरे इतना कहने का तेजस्वी को जानने वाला हर आदमी नेता नहीं हो जाएगा भाई। सर जमीन पर पप्पू यादव को आप बायकॉट कीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा। इसलिए आम जो जनता का नेता है, जो जनता का नेता वो नेता होता है। पार्टी का निखिल मंडल जी प्रवक्ता हो गए जदयू का, तो क्या उसको नेता लोग मान लेंगे क्या? कहने का तात्पर्य है, आज रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान दलित उसी को ना वोट देता है, पासवान देगा किसी जिसके साथ है। मांझी जी हरिजन है, ऋषिदेव है ना, ऋषिदेव उसको मानता है, नीतीश कुमार के मानता है, इसलिए कि वो उनको बहुत आगे ले गए नीतीश कुमार। मैं वकालत हर रूप में सही कर रहा हूँ, हमको समझने की विवेक शक्ति है, आप हमको बड़गला नहीं सकते हैं। आज नीतीश काल उनके उसी मुँह से गुणगान करते, उसी मुँह से अवगुण करते हैं। आप लोग का मुँह क्या, राजनीति का परिभाषा बदल गया। यहाँ जेपी आंदोलन देखिए, इतना जान लीजिए, जे भी कृपलानी हो, अमेरिका दास, सब यहाँ से राजनीति किए हैं। मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र से, उन बताते थे जेपी कैसे के, लोहिया का राजनीति क्या था, भूपेंद्र बाबू का राजनीति क्या था। लेकिन आज देखिए इस नेता का, आदमी को नफरत हो गया, चाहता है कि वोट भी कैसे गिराने के लिए, क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए वोट तो करना होगा। आप पप्पू यादव को अपमान कीजिएगा तो आप लोग नहीं जान रहा है। तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव का अपमान कर रहे, किया कि नहीं किया भाई? अरे भाई, लेकिन पप्पू यादव भी अपमान किया लालू का कि नहीं किया? सब 243 सीट पर हेलीकॉप्टर बीजेपी का लेके माल लेके उसको छोट करने के लिए चाह गया, आपको नेता मान लेगा यादव? अरे बिहार में यादव नेता मान लेगा आपको? अपने जानाधार को मजबूत नहीं करेंगे वो? अरे जानाधार को मजबूत करेंगे, माल लेके किसी का जानाधार को आप मजबूत कर सकते हैं? जनता बेवकूफ है क्या? आप हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, आज आपको एक भी सीट क्यों नहीं मिला, जबकि समाज से आप कर रहे हैं। इतना जानिए, पप्पू यादव को लोग कह रहा अपराधी शब्द का था, लेकिन अब ने संता के आपका कथनी कुछ अकरनी कुछ होगा। आप कभी जनता को बेवकूफ बन समझते हैं? आप अपने मन के मुताबिक नहीं चलिए, आप जनता यदि मान लेगी नेता। अरे यहाँ लालू यादव को भी मधेपुरा से हारना पड़ा, सुनिए, यहाँ से शरद यादव को भी हारना पड़ा, पप्पू यादव को भी, राष्ट्रीय लीडर यहाँ से हार गए, लालू और नीतीश सब हारे हैं ना। तो मधेपुरा की राजनीति को साधारण में आपको नहीं लालू ले, नहीं नीतीश जी ले, और नहीं तेजस्वी ले, और नहीं पप्पू यादव ले, मधेपुरा की राजनीति का इतिहास ही अलग है। ये पॉलिटिकल इतना देखिए, ये राजनीतिक प्रयोगशाला है मधेपुरा की धरती, राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ नीतीश कुमार भी कैंप करते हैं, 10 दिन निखिल मंडल जिताने के लिए किए थे, जीत गए क्या? तो जनता जान रहे, जनता को बेवकूफ मत बनाइए, मधेपुरा की जनता इतना जानिए। मेरा नाम है डब्बू कुमार यादव। डब्बू जी, क्या मिल रहा है कुछ केंद्र सरकार की फायदा? केंद्र सरकार से यही किसान सम्मान निधि जो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये तो मिलता है। क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव जो महागठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन, वो केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उसको हटा देगी? ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों? ये लालू यादव जो अपना आप को समझ रहे हैं, जो हम राजनीति कर रहे हैं, यादव को बरगलाने का काम करते हैं। अब एक एक वर्ग के लोग बहुत चलाक हो गए, सब शिक्षित हो गए हैं। यादवों को कैसे बरगलाया जा रहा है? बरगलाए ऐसे जाते हैं, जो मुँह में बोल बोला यादव हैं उसको बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं। ये बीपी मंडल की धरती है, जहाँ आम सभा होते हैं, जहाँ जो चीज़ होते हैं, कहते हैं ये बीपी मंडल की धरती है, ये भूपेंद्र बाबू की धरती है। लेकिन इन लोग का लालू यादव की जो कारनामा है, वह अपना आप को पॉलिटिक्स जो करते हैं, वो अपना आप को दलगत सोचते हैं, जो हम जो करेंगे वही होंगे, वही करेंगे। ये यहाँ मंडल का धरती है, ये बीपी मंडल की, इनको तो भगवान स्वरूप मानना चाहिए। हम लोग को तो उस टाइम में जान नहीं थे, भगवान स्वरूप मानते हैं। यहाँ हम लोग बगल में विद्यालय में पढ़े भी हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है कहने के योग नहीं है श्रीमान, ठीक ना। यहाँ बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्सदार लोग भी यहाँ हैं, लेकिन सब चुप साधे हैं। क्यों? अब देखिए ना, अभी की जो टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये मंडल के परिवार को टिकट देना चाहिए। टिकट के मामला में है वो, अपना लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव जो हैं अय्या कहता सब है, लेकिन इन लोग का बैठा करके रखा, टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लालू यादव की पार्टी ने यहाँ टिकट नहीं दिया? नहीं दिया, बैठा जिसको कोई, एक मिनट श्रीमान, बीपी मंडल के गुजर जाने के बाद लालू यादव की पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया? जी नहीं, चाहे जी नहीं, कोई चीज में नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है।
अभी तक नहीं मिला। क्या चाहते हैं कि हमारे परिवार से ऊपर कोई ना बढ़े? नहीं बढ़े। अगर मंडल के परिवार में टिकट दिया जाए, बीपी मंडल ने ऐसा सोचा होता कि हम पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ाएं, तो वो भी नहीं नहीं उठता, सिफारिश करते नहीं करते, नहीं आगे आते करते नहीं करते। मानसिकता को कैसे, वही मानसिक, यही मानसिकता इन लोग का है, लालू यादव का, ठीक है, जिनको नेता को कोई नहीं मानते हैं, कभी इनको चेहरा नहीं हम लोग जानते हैं, चंद्रदीप यादव को, उनको टिकट उठा करके दे दिया है। क्या यहाँ बीपी मंडल के जो वारिस हैं वो सामर्थ नहीं थे? एकदम सामर्थ थे, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ बैठे हुए दूध या कक महीना बैठ कर कहा, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर इनको लोकसभा में टिकट, इनको टिकट दे दिया जाता मंडल परिवार से, ये लोकसभा में जाएंगे तो अब पिछड़ा मधेपुरा का आवाज उठाएंगे, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया। इन लोग को तो जो कहेंगे वही चुप रहेंगे, उभर करके सामने आ जाएगा, एकदम आएंगे वो, एकदम वो सत्ता मांगेंगे। पप्पू यादव ने वैसा काम किया कोसी के लिए, पप्पू यादव को काट कर दिया। अभी पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ना, देखिएगा पप्पू यादव जीतेंगे, एकदम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे मुझे ईवीएम में सेटिंग है, नहीं तो पप्पू यादव जीतेंगे। ये मधेपुरा की मंडल की परिवार को बैकआउट करके चलते हैं लालू यादव सब दिन। तो लालू यादव मंडल परिवार को बैकआउट कर रहे हैं, एकदम जिस मंडल और कमंडल की बात होती है तो मंडल की तरफ लालू यादव का झुका है, जिस समाजवाद की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि बीपी मंडल के कामों को, नाम को उन्होंने भुनाया है? शरद यादव हो, लालू यादव हो, एक शरद यादव लाए हैं, शरद यादव लाए थे, और शरद यादव के बेटा कब की बारी का टिकट मिलता वो जीतता यहाँ से, लेकिन ये नहीं जीतेगा। फिर दिनेश चंद यादव का ही यहाँ से टिकट जीतेगा, देखिएगा। हम चैनल के माध्यम से कहते हैं, किसी समाज को उनको नहीं जानकारी है कैंडिडेट को, फिर बनेगा तो सरकार बनेगा। बीपी मंडल के कामों को लालू यादव भुना रहे हैं? हाँ, वो भुना रहे हैं। तो यहाँ जो गांव वाले, गांव के लोग हैं, जो जब मंडल के वारिस के, बीपी मंडल के वारिस के लोगों को, उनके बेटे को, उनके पुत्र को टिकट नहीं मिला, तो गांव के लोगों ने कुछ विरोध किया था यादव का, लालू यादव का, आरजेडी का? कहाँ विरोध करेगा, वहाँ कौन जाएगा विरोध करने का? हम लोग को सामर्थ्य है पटना जाने का, पटना जाने का नहीं, वोट के अधिकार के, तो या नोटा में हम लोग अब की बार वोट डालेंगे, नोटा में डालेंगे, एकदम हम लोग को कहेंगे कहा नोटा में डालेंगे, एकदम डालेंगे। बीपी मंडल सर ऐसा, ये देव देवतुल था, हम लोग का पिताजी दादाजी कहते थे, मंडल कमीशन लागू कुर्सी नहीं मिलता था बैठने के लिए इन्हीं का, लेकिन आवाज देने का काम क्या था बीपी मंडल, उपेंद्र बाबू को देख लीजिए, शिक्षा का अलग ऐसा जगाए मधेपुरा में कि अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों के मुंह में बोली भी नहीं था, पूर्वज नहीं बोल पाते थे, जैसे आप मेक दे दिए नहीं बोल पाते थे, ऐसा अलग जगाए। अभी भी शिक्षा मॉडल देख लीजिए, गठबंधन में था के पाठक जी, उनको अभी बोरा में सेंक दिया गया है, गठबंधन में था, चकाचक हो गया स्कूल, शिक्षा जग गया था, फिर धूमिल हो गया, कहाँ गया के पाठक जी, शांत हो गए। जो करने वाले हैं भैया, कहीं भी रहेंगे करेंगे, जो नियत से हैं करने वाले तो करेंगे, और जिसका नियत खराब है वो तो कुछ और नहीं करेंगे। के पाठक अभी कहाँ भैया, माफ़ी से पूछते हैं, जब तक गठबंधन में रहा मंत्री जी को नचाते रहा, नाच रहा था, हम लोगों को एकदम मिल रहा था सुविधा, स्कूल हो कोई भी स्कूल हो, शिक्षक एकदम टाइम से आता था, अभी देख लीजिए शिक्षक है ही नहीं, कोई यहाँ है कोई अभी क्या है। जो आप बता रहे थे भी कि कुर्सी नहीं मिलता था, ये तो पहले की बात है, अभी का क्या माहौल है? अभी तो सब स्वतंत्र, अब तो अधिकार में एकदम ले रहे हैं, बैठे बैठते हैं, ये सब की कमी नहीं है, अब तो कमी है, कमी ही महसूस नहीं किसी को, अब कमी नहीं है, अब तो सबको स्वतंत्र है, सब अधिकार जान गए, जब हमका ये चीज़ है हम लेंगे तो लेंगे, चाहे लेट हो सेट हो। यादव ने कहा कि आपको अगर राजद को वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए, पप्पू यादव को, वो तो कहबे किया, वो तो कहबे किया ना, भाषण में हम देखे हैं हम लोग के, जो अगर इंडिया गठबंधन को नहीं दे तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू जाइए कि जाति बात, जाति की बात कर रहे हैं, चाहते क्या है तेजस्वी? वो तो सामंतवाद अपना पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपना परिवार पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का कुछ नहीं करते, सामंतवादी हो गए, सामंतवाद पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखिए अभी सब अपने चुनाव लड़ रहे हैं ना, बहन लड़ रहे हैं तो दो अपना लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आपको अलग अलग टिकट दिया? मोदी जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वो सही लगाते हैं, भी है परिवारवाद ने, राजनाथ सिंह के बेटे ने, जेपी नड्डा के ने, अमित शाह ने, अरे सब में परिवार, नेतागिरी का मतलब अपने पेट को भरो, अरे जगदानंद सिंह सब का है, इसे कैसे लालू को काहे कहते हैं? कोई नहीं किसी को देखना चाहते, समझ गए ना, सिर्फ अपना पेट जुगाड़ लगाते हैं, अलावा कुछ नहीं। अरे क्या कह रहा, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट,
चिराग पासवान सब अपने बहने के दे दिया ना, अपने कहाँ और लोग को दे, ये परिवारवाद नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर चरे भ्रष्टाचार है, सबके बीजेपी जदयू हर सब में है। दबाएंगे सीधा बात है भाई, चिराग पासवान पर आरोप लगा कि पैसा लेकर के टिकट दे दिया, तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, लालू यादव भी वही कर रहे हैं। आज के डेट में बीपी मंडल का इतना बड़ा नाम रहा है, आज तक उनके बेटे को उनके पौत्र को यहां से टिकट नहीं मिला है, नहीं मिला विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, नहीं मिला है श्रीमान, मिलना चाहिए, नहीं मिला। यहाँ की ये मंडल की धरती का ज्योति मंडल एक आदमी था, एक बच्चा से हम लोग से सीनियर था, वो आज तक गांव रगड़ते रह गया बेचारे को, कुछ नहीं मिला। लालू यादव का झंडा ढोटे ढोटे मर गया बेचारा, आज तक उसको टिकट नहीं मिला, सट गया लेकिन कुछ नहीं मिला। ज्योति मंडल का सट गया मतलब, खिला दिया दो मधेपुरा में। फिर आनंद बाबू आए हैं यहाँ की, आनंद बाबू आए राजद में, आनंद बाबू अपना गांव खोल के खर्चा बेचारे किए, दही चूड़ा जो भी काज करता था सबका, लेकिन नहीं उनको टिकट मिला बेचारे, वहां से बैठ के चला आया, नहीं मिला टिकट। मिला किनको? चिन्ना चंद्रदीप को। अब उनका नाम जानने के लिए जाते, कहते क्या जी ये रवि बाबू का बेटा है, उनके बाप से उनको जानकारी देना पड़ता है, रवि बाबू पहले पूर्व सांसद थे, उनका बेटा है। आज तक हम लोग बच्चा से राजनीति में हैं, बच्चे से हम लोग छात्र आंदोलन फलना चलना सब चीज़ किए हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कभी चेहरा तक नहीं मालूम हुआ था जी ये जी हैं, कभी नहीं। उनको टिकट ला करके दे दिया, क्यों का बेटा विधायक बनेगा क्या, क्यों वह राजनीति वहाँ पटना में बैठते थे एक जगह, चुपचाप उनको बुला करके उनको टिकट दे दिया, लेकिन मंडल की धरती को नहीं दिया। क्यों? कल तो मंगल मंडल की धरती आवाज उठाएंगे ना, इनका सब पूर्वज को ये पॉलिटिक्स कहने के अधिकार है, इन लोग को जानकार है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया क्यों? कल दिन में जो सांसद बन के जाएंगे ये मुरहो की ये कोसी की आवाज उठाएंगे आनंद मंडल, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया। इनको तो भेड़ा वगैरह है, उसको छुपा के रखेगा, जो कहेगा वही माने। लालू यादव का कुछ चल रहा है, चलने देता है, पता चलेगा, विधानसभा आने दीजिए, तब देखिएगा किसकी सरकार बनते हैं। आप तो चैनल वाले हैं, हम आपके माध्यम से कहने चाहते, विधानसभा आने दीजिए, ये तो केंद्र की चुनो है ना, फिर बनेगा उसी का सरकार, लेकिन आने दीजिए समय विधानसभा की, तब पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। निर्दलीय चुनो लड़े ना अभी एमपी से पप्पू यादव, देखिएगा फिर यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतेगा, पार्टी कोई नहीं चुनाव जीतेगा, सभा में 2025 में फाइनल निर्दलीय चुनाव जीतेगा, पार्टी नहीं जीतेगा, लगभग निर्दलीय खड़ा होगा। हम लोग सब पार्टी को देख चुके हैं, अब निर्दलीय का बारी है, पप्पू जी को आने दीजिए, पप्पू जी को आने दीजिए, लेकिन यही नियम है। तो ये बीपी मंडल की धरती है, यहाँ हम मौजूद थे, आज लोगों से बात की, आपने सुना जिस समानता की बीपी मंडल ने बात की, लालू यादव उस नक्शे कदम पर चले, लेकिन आज के दौर में लोगों का यह भी मानना है कि लालू यादव समानता की बात नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, यहाँ से बीपी मंडल के जो वारिस हैं उनको टिकट देना चाहिए, लोगों का ऐसा मानना है। और जो आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो, राम मंदिर हो, उस पर भी लोगों की राय है कि विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, और ये तमाम बातें आपने सुनी, ये लोगों की राय थी, विकास के कार्य कितने हुए हैं गांव में, आगे भी हम वीडियो में बात करेंगे आपसे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।